सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले तो 2021 की आप सभी को सम्मान एक अधिकार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, और आपका जीवन खुश हो, मंगलमय हो, यही आशा के साथ एक विशेष सूचना हम आप सब लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि आगामी 17 जनवरी दिन रविवार 10:30 बजे गाजियाबाद डाबर चौक, जहाँ डाबर की फैक्ट्री है, डाबर चौक पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो रैली है, जो हमारे भाई किसान, जो लोग रोडों पर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनके समर्थन में सभी कई जिले से जो लोग आ रहे हैं, उसमें हम सब लोग उन किसान भाइयों का जो है समर्थन करते हैं, और उन्हीं के समर्थन में पंचशील के साथ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के झंडों के साथ सभी साथी मेरठ से, गाजियाबाद से, मुजफ्फरनगर से, बागपत से, गौतम बुद्ध नगर से, बुलंदशहर से, अलीगढ़ से, खुर्जा से, बहुत दूर दूर जगह से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से लोग पहुंच रहे हैं उनके समर्थन में, जिसके आयोजक मुख्य आयोजक जो हैं श्रद्धेय बालक राम बोध जी हैं और हम सब लोग उनकी टीम के एक सदस्य हैं। तो हमारी सभी साथियों से ये अपील है कि एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी लोग, चाहे आपके पास साइकिल है, चाहे आपके पास स्कूटर है, चाहे आपके पास कार है, चाहे आपके पास किराए से है, जैसे भी हो, किसानों के समर्थन में आप सब लोग 17 तारीख को दिन रविवार 10:30 बजे गाजियाबाद डाबर चौक, आनंद विहार से पहले पड़ता है डाबर चौक, वहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है, वहीं से 2 किलोमीटर लंबा एक 2 किलोमीटर पद यात्रा चलेगी किसानों के सम्मान में। जो ये देश हमारा जो है वो किसान कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए आप सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है, जितने भी भाई मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, गाजियाबाद से, मेरठ से, मोदी नगर से, जहाँ जहाँ तक भी लोग जानते हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट है कि सभी साथी अपने अपने माध्यम से सभी लोग इसके अंदर सहयोग करें, क्योंकि अगर आज ये जो सरकार है, ये सरकार जब से आई है, जब से जनता रोड पर है, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब जब संसद आपकी बात नहीं सुनेगा, तब तब आपको रोड पर आना पड़ेगा। तो इसलिए ये सरकार सुन नहीं रही है। ये जो 3 काले कानून हैं, ये काले कानून वापस होने हैं। हम किसान भाइयों का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। ये आंदोलन किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी रंग भेद का, किसी का नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का है। ये जो लड़ाई है, ये सरकार बैनामा भारत जो सरकार है उससे लड़ाई है, भारत के हर नागरिक की लड़ाई है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो ऊंच है, चाहे वो नीच है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है। सभी साथियों को इसके अंदर भाग लेना है। जितने भी साथी आए, एक रिक्वेस्ट ये स्पेशल है कि कोई भी आदमी अनुशासन नहीं तोड़ सकता, अनुशासन के साथ चलना है। वहीं आप सब लोगों को जो भी दिशा निर्देश है वो वहीं से मिलेगा। हर आदमी के जो भी इस आंदोलन के अंदर होगा, जो जिस जिले से आएगा, उस जिले का जो नेतृत्व कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि हर आदमी के बाजू पर पट्टी बंधी होगी नीली, बाबा साहब का झंडा होगा नीला, और भगवान बुद्ध पंचशील का झंडा होगा हर आदमी की गाड़ी पर होगा, हाथ में पट्टी बंधी हुई होगी, और जो भी व्यक्ति इसके अंदर सूचना चाहे उसके लिए इसके अंदर जो बहुजन समाजवादी मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम होगा, बहुजन समाजवादी मंच, जिसमें सभी जाति के लोग, सभी गरीब अमीर लोग हिस्सा लेंगे, इसमें कोई भी आदमी अनुशासन नहीं तोड़ पाएगा, और ये शांतिपूर्वक तरीके से है, कोई हाय नहीं, हुल्ला नहीं, उन किसानों का किसी भी तरीके से आंदोलन विफल नहीं होना चाहिए, वो सफल होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है, क्योंकि आज की डेट के अंदर एक किसान जो दिन रात, आज इतनी सर्दी पड़ रही है कि हम लोग घरों के अंदर रहने के बाद दो दो रजाई, एक एक रजाई ओढ़ते हैं, लेकिन वो किसान टेंट पर लगाकर रोड पर पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, महिलाएं पड़ी हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत देश की धरती को अगर बचाना चाहते हैं, इस जालिमों की सरकार से बचाना चाहते हैं, तो आप सब लोगों को आना पड़ेगा। सभी साथियों से मेरे निवेदन है कि अनुशासन न तोड़ें। मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप,
पर्चे के अंदर नंबर दिए हुए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्रद्धे बालकराम बोध जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, श्रद्धे डॉक्टर हरविंदर जी मेरठ से संपर्क कर सकते हैं, अशोक टकसाल बहुत सारे साथी हैं, उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 10 बजे 10:30 बजे तक आप सब लोगों को डाबर चौक गाजियाबाद जो आनंद विहार से पहले पड़ती है डाबर की फैक्ट्री, उस पर पहुंचना है। वहाँ परम पूज्य बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, वहीं से ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर गलत नारा नहीं लगा सकता, गलत वो नहीं करेगा किसी भी चीज का मैसेज, सभी लोगों को ये दिशा निर्देश है। इसलिए साथियों सभी से मेरा निवेदन है कि किसानों के समर्थन में आए, घरों से निकले, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो आप सब लोग आइए, आप सब लोगों का स्वागत है और आप सब लोगों को आना है, ये जिम्मेदारी है हर भारत की, क्योंकि ये लड़ाई सरकार बैनामा भारत है और भारत के अंदर सभी लोग आते हैं। तो अगर आप लोग इस धरती की मिट्टी जो इस देश की मिट्टी है उसका अन्न खाते हैं, आप लोगों को आगामी 50 रुपए किलो आटा ना खाना पड़े। देख सकते हैं आप लोग कि कितना महंगा तेल पेट्रोल डीजल है, आटा क्या भाव है। ये अडानी और अंबानी की जो सरकार है ये हटानी है और आप सब लोगों को किसानों के समर्थन में आना है। वहाँ बहुत सारे हमारे पूज्य भिक्कू लगे पड़े हैं और पूज्य भिक्कू सुमित रतन जी का भी आह्वान है, वहाँ सैकड़ों भंते जो दिन रात वहाँ लगे हुए हैं किसानों के समर्थन में। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, आप सब लोग इसके अंदर आइए। इसी के साथ आप सब लोग मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, उसके अंदर जो पर्चा चलेगा उसके अंदर बहुजन समाजवादी मंच, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर डले हुए हैं, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा जितना फैला सकते हैं पूरे देश के अंदर उतना फैलाएं। इसी शब्दों के साथ सम्मान एक अधिकार टीम आप सब लोगों के साथ में है और आप सब लोगों की आवाज के लिए दिन रात प्रयास करेगी। हम वहीं मिलेंगे आप सब लोगों को और इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।